सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पत्नी हसीन जहां के घरेलू हिंसा और बेवफाई के आरोपों का सामना कर रहे क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोलकाता पुलिस ने बुधवार को तलब किया है, जिसके बाद वो कोलकाता में ही रुक गए जबकि उनकी टीम बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। बंगाल क्रिकेट संघ ने बताया कल रात ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाला दिल्ली डेयरडेविल्स का ये तेज गेंदबाज 21 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ होने वाले मैच के लिए टीम के साथ नहीं गया है। अधिकारी ने पीटीआई को बताया दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम दोपहर लगभग 3 बजे चली गई, लेकिन शमी नहीं जा सके क्योंकि कोलकाता पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है। उनके दिल्ली डेयरडेविल्स से जुड़ने पर अभी कोई अपडेट नहीं है। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शमी को कल तलब किया गया है, लेकिन पता चला है कि शमी ने उस समय मौजूदा रहने में अक्षमता जाहिर की है और अपने वकीलों और अधिकारियों को ये जानकारी देने को कहा है। पिछले महीने पत्नी के घरेलू हिंसा और बेवफाई के आरोपों के बाद शमी पहली बार कोलकाता आए थे। शमी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।